सुजानगढ़ जिला संघर्ष समिति उसके अध्यक्ष मेघवाल जी को और उसके संयोजक जी को बधाई देने आया हूं। 21 तारीख को राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने जब जिला बनाने की घोषणा प्रारंभ की थी, पहली बार मेरा लंबा संसदीय जीवन है, जिले यूं टपक रहे थे जिस प्रकार बरसात में ओले आ जाते हैं, 19 जिलों की घोषणा और राजस्थान में सबसे बड़ा संघर्ष अगर किसी जिला बनाने का रहा है तो सुजानगढ़ का रहा। बस डीडवाना और कुचावन के दोनों एमएलओ ने बार बार आंख दिखाई और पहली बार मैं देख रहा हूं दो दो शहरों के नाम से जिला बनाया गया। आज कुचामन और डीडवाना दोनों के बीच में 35 किलोमीटर का अंतर है, दोनों जगह खुशियां मनाई गई। अब 35 किलोमीटर लंबी जिला कलेक्ट्रेट बनती मैंने दुनिया में देखी नहीं। पर भाइयों, मैं आपके संघर्ष को, क्योंकि सुजानगढ़ में जिला बने, इस चुरू जिले से अंतिम छोर आपका 180-190 किलोमीटर दूर है, कितनी तकलीफ पाते हैं आप। तो मैं तो यही कहने आया हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं, समय का चक्र घूमेगा, कभी फैसला करने वाले निर्णायक जगह पर बैठने का मौका मिला तो ये 6.2 इंच का राजेंद्र राठौड़ वादा करके जा रहा है। आपकी बात को तर्कों के आधार पर पुरजोर तरीके से उठाएंगे। मुझे अफसोस इस बात का है, उपचुनाव में जिन महानुभाव को बहुत बड़ी संख्या में पूर्व मंत्री जी को श्रद्धांजलि के रूप में चुनकर आपने भेजा, उनके पुत्र को एक बार सुजानगढ़ जिला बना दो मुख्यमंत्री जी ये शब्द बोल जाते तो तकलीफ नहीं होती, बोलना चाहिए था। और अब भी कोई राजनीतिक मंच नहीं, मनोज भाई अगर बोलेंगे तो मैं प्रतिपक्ष की तरफ से उनको विश्वास दिला के इस मंच से जा रहा हूं, वो आवाज उठाए उनकी आवाज में हम आप मिलाएंगे। आप लोग इतने लंबा संघर्ष कर रहे हो, 19 जिले बने उसमें सुजानगढ़ का नाम नहीं, ये तकलीफ आपके लिए नहीं, ये उन सबके लिए सो है जो सोचते हैं कि प्रशासनिक तौर पर भौगोलिक आधार पर जिले बनने चाहिए, परंतु अगर जिलों की बाउंड्री पहले तय करते, लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाया जिसमें जिला बनाने का अधिकार सरकार को है, रामलुभाया कमीशन भी बना, पर प्रशासनिक सारी बातों को दरकिनार करके जिस विधायक ने आंख दिखाई उसी को जिला बनाता बनाते चले गए। मैंने कभी इतनी सुना बैरो और कोटपुतली जिला बन गया, दो शहर जिला, एक कांबड़े की कलेक्ट्रेट, कुचामन डीडवाना कांबड़े की कलेक्ट्रेट। इसलिए भाइयों, अभी सरकार को अपना निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि निर्णय में बहुत खोट है, बहुत कमियां है, और वापिस 11-12 अप्रैल को विधानसभा जुड़ेगी, आपकी भावनाओं को विधानसभा में रखेंगे, आप अपने विधायक जी को भी कहें वो भी रखें, उनके आवाज से आवाज मिलाएंगे। और आपका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा साहब, आपने बहुत अच्छा संघर्ष किया, आपके अध्यक्ष जी का भी, आपका कोई राजनीति की बात नहीं, जो कुछ हो सकेगा आपके साथ रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।